नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो विषय है वो रशिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में है जो की रशिया की 20 बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो हम यहाँ पे आज बात करने जा रहे हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो की रशिया के अंदर व्लादिवोस्तोक सिटी के अंदर आया हुआ है। अगर व्लादिवोस्तोक सिटी की हम लोग बात करेंगे तो रशिया की जो सबसे बड़ी सिटीज है उसमें से एक सिटी इसको माना जाता है, और ये प्रिमोस्काय क्राई करके जो प्रांत आया हुआ है रशिया का, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ये। व्लादिवोस्तोक सिटी जापान के सागर पर गोल्डन हॉर्न के आसपास स्थित है ये। अगर सिटी के टोटल एरिया की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे करीबन 331.16 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया ये कवर करता है, और यहाँ पे अगर टोटल पॉपुलेशन की हम लोग बात करेंगे जो कि करीबन 600,000 से ऊपर की आबादी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी के अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो करीबन 1899 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पे अगर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जाने की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस है इसका इंडिया से, वो जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो करीबन 18 से 20 घंटे का ड्यूरेशन लगेगा अगर आप दिल्ली से मॉस्को होते हुए जाते हैं वहाँ पे तो, और अगर आप साउथ कोरिया होके जाते हैं तो करीबन आपका जो वहाँ पे ड्यूरेशन लगेगा वो 16 से 20 घंटे के आसपास का लगेगा। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज भी हो सकता है डिपेंड ऑन द लेओवर टाइम। अगर फ्लाइट ऑप्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो काफी सारे फ्लाइट के ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ पे एरोफ्लोट की फ्लाइट अवेलेबल है यहाँ पे, उसके अलावा अमीरेट्स की फ्लाइट भी अवेलेबल है, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट भी वहाँ पे जाती है, कतार एयरवेज भी जाती है वहाँ पे, उसके अलावा फ्लाई दुबई भी वहाँ पे जाती है, केएलएम एयरलाइंस भी जाती है, लुफ्थांसा एयरलाइंस भी जाती है वहाँ पे, और उसके अलावा यूरोएयर एयरलाइंस भी वहाँ पे जाती है, सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट भी वहाँ पे जाती है, और एयर इंडिया की कनेक्टेड कुछ फ्लाइट भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अगर क्लाइमेट कंडीशन की यहाँ पे बात की जाए तो रशिया की बाकी सिटी की जैसी यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर आप नहीं बोल सकते यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे -15 तक जाता है ठंडी के टाइम पे, और अगर गर्मी के टाइम पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो मैक्सिमम जो हाई टेम्परेचर होता है वो 23 डिग्री तक देखने को मिलेगा आप। अगर यूनिवर्सिटी की डिटेल की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो नाम है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन है यहाँ पे, जिसका एकेडमिक एफिलिएशन जो है वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन ईयर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1899 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था, लेकिन जो इंग्लिश प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ था वो 2013 से शुरू हुआ था। यहाँ पे अगर हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर एक्रेडिशन की बात की जाए तो एक्रेडिशन के बारे में हमने पहले जो पास्ट में एक कंपेरिजन वीडियो बनाया था 2019 के आसपास, उस टाइम पे उसके पास एक्रेडिशन ECFMG का नहीं था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे उसके पास हर एक टाइप का एक्रेडिशन अवेलेबल है। जैसे की NMCA MCA की बात करेंगे जो इंडिया के अंदर एक्रेडिशन रिक्वायर्ड है वो यूनिवर्सिटी के पास, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ECFMG एक्रेडिशन की बात करेंगे जो के लिए रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पे इसके पास अवेलेबल है, और उसके बाद अगर GMC एक्रेडिशन की बात करेंगे जो कि UK के लिए रिक्वायर्ड है वो भी यूनिवर्सिटी के पास एक्रेडिशन अवेलेबल है। तो एक्रेडिशन के बारे में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी के अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हर एक टाइप का वर्ल्ड रैंकिंग भी यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यूनिरैंक यानी कि 4ICU.com की हम बात करेंगे अगर यहाँ पे तो वर्ल्ड रैंकिंग यहाँ पे उसका 1632 है, और कंट्री रैंक की बात करेंगे यूनिरैंक के हिसाब से तो 30 है। उसके अलावा अगर टाइम्स रैंकिंग की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी का जो टाइम्स रैंकिंग है वो करीबन 1200 प्लस के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, और अगर QS स्टार रैंकिंग की बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 461 प्लस का उसका QS स्टार रैंकिंग देखने को मिलेगा, और अगर राउंड रैंकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे उसका जो वर्ल्ड रैंक है वो 622 है, और कंट्री रैंक यहाँ पे आपको 28 देखने को मिलेगा। कॉलेज की बजट की अगर यहाँ पे बात की जाए कि कितना खर्च आएगा टोटली पढ़ाई के अंदर, तो कॉलेज की फीस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से यहाँ पे जो उसका ट्यूशन फीस है वो 17.5 लाख से लेके 18.5 लाख के बीच में है, और अगर यहाँ पे एकोमोडेशन की बात की जाए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्टल है उसका, जिसका पूरे साल भर का जो एक्सपेंस लगता है वो करीबन 40,000 रुपीज के आसपास का लगता है आपका। यहाँ पे अगर टोटल बजट की
बात की जाए तो करीबन यहाँ पे टोटल बजट सब मिला के जिसमें ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, उसका मेडिकल इंश्योरेंस है, उसके अलावा वीजा एक्सटेंशन आता है 6 साल का, सब चीजें मिला के यहाँ पे अगर टोटल बजट देखेंगे तो करीबन 26 से 28 लाख के बीच में रहता है। अगर यहाँ पे हम लोग फूड फैसिलिटी की बात करेंगे तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि यहाँ पे मैस अवेलेबल है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको सेल्फ कुकिंग ही करना पड़ेगा। अगर दूसरे खाने के ऑप्शन के बारे में आप सोचते हो तो सिटी के अंदर कुछ इंटरनेशनल रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हो जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो MCI या NMC के रूल्स के हिसाब से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका 50% होना अनिवार्य है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और अगर आप SC ST OBC या अदर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द NMC MCI रूल नीट का क्वालिफाइड होना कंपल्सरी रिक्वायर्ड है यहाँ। और उसके अलावा फायर एशियन फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी की खुद की एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है, वो एंट्रेंस एग्जाम भी आपको यहाँ पे क्वालिफाइड करनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पे फाइनली एडमिशन प्रोवाइड हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करेंगे तो करंट डेट के अंदर यहाँ पे करीबन 200 प्लस इंडियन स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोफ्तामो का ओपिनियन क्या रहेगा? तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फेडरल यूनिवर्सिटी इन रशिया। दूसरा बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड प्रेस्टिजियस बिकॉज इट्स ओल्डेस्ट एंड रिनाउंड यूनिवर्सिटी। और दूसरा यहाँ पे एडमिशन लेने में उसका एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाइड करना पड़ता है, एंड उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई में सीरियस नहीं हो तो किसी भी फेडरल, यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्टिंग की बात नहीं करूंगा, किसी भी फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में ना सोचे। दूसरा यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं उनके पेरेंट्स की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि सेफ्टी क्या रहेगी यहाँ पे स्टूडेंट की, तो गर्ल्स स्टूडेंट की सेफ्टी इट्स अ गारंटी। दूसरा जो इंटरनेशनल यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है यूनिवर्सिटी का, उसका भी एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे स्टूडेंट को मिलता है। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग प्रोफेसर के टीचर्स की बात करेंगे तो फॉरेस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल लेवल की टीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, काफी हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर वीकली सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हेड डॉक्टर्स के द्वारा, जो कि एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको देता है। दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं रिसर्च वर्क के अंदर, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे किया जाता है टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है जो UK में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लुसान है जो स्विट्जरलैंड में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो USA के अंदर आया हुआ है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ NH जो US के अंदर आया है, उसके साथ मिलकर डिफरेंट लेवल पे आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हो। यहाँ पे करीबन 18 डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट आते हैं हर साल, जिसके अंदर 40% स्टूडेंट जो है वो सिर्फ बायोमेडिकल प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले एवं लाइक जरूर से कर ले। और फिर से मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर मेल करना है तो हमारा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है मेल, उसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको चैट करना है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ बात भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लाइव काउंसिलिंग का बेनिफिट लेना है तो हमारा जूम सेशन अवेलेबल रहता है, उसके लिए आपको हमको कॉल करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा या चैट सेक्शन को पेज डालना पड़ेगा। तो आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।